तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद मल्काजगिरी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने अपने आबाई मुकाम विकाराबाद के कोडंगल का आज पहली मरतबा दौरा किया। इस मौके पर पार्टी कैडर, हामियों और मुकामी लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने ज़िले के जिम्मेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रेवंत रेड्डी ने आनजहानी CDS जनरल बिपिन रावत को खिराज पेश किया। उन्होंने पार्टी कादर को बुनियादी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने की तलकीन की। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खंडवा पहनाकर पार्टी में इस्तकबाल किया। करेंगे जी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो मुद्दा सोचकर जो लोगों के लिए, इनके तेलंगाना के लिए, तरक्की के लिए जो तेलंगाना दिए, 7 साल KCR कभी काम नहीं किया, उनके परिवार के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए वो काम कर रहा है, तेलंगाना माहौल के लिए, तेलंगाना जनता के लिए कुछ काम नहीं किए, इसीलिए आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी तरक्की करेगा, तेलंगाना प्रदेश में सरकार बनाएगा, सोनियम्मा राज्य में जैसा इंदिरा जी राज्य था, इंदिरम्मा राज्य में जो तरक्की हुआ, दलित का और आदिवासी का, गिरिजनों का, जो BC का, उन लोगों का जो तरक्की हुआ, वही तरीका से सोनियम्मा राज्य में भी तरक्की करने वाले हैं। इसीलिए आपको मैं एक मीटिंग बड़ा जलसा दे, लोगों से यहाँ के स्थिति आपको समझ में आने के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता ये बूथ के गांव के यही लोगों को मैं जमा के दूसरे मंडल से, दूसरे कोई एरिया से किसी को नहीं आने दिया। ऐसी मैं काली कोडंगल ऐसे घूमने के लिए आया तो भी 4-5 हजार लोग हासिल होते रहता हमेशा। मैं यहाँ जान पूछ कर कोई भी नहीं आना, एक बूथ में जो एनरोलमेंट हो जाएगा वही तरीका से एनरोलमेंट करवाने के लिए, वो माहौल दिखाने के लिए हमारे लोगों को बोलकर ये कार्यक्रम लिए। आप ये मेंबरशिप अभी शुरुआत करके हमारे दलित महिला बहुत लोग आए, आपको मैं मिलाने वाले हूँ, और हमारे बूथ एनरोलर है उनसे ये काम शुरुआत करवाने के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक नायब सदर नशीन महकमे कौमी आफत समावी हुकूमत हिंद मर्री शशिधर रेड्डी ने CDS जनरल बिपिन रावत की अचानक मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। हल्के असेंबली सनतनगर में कांग्रेस कायदीन की जानिब से जनरल बिपिन रावत को खिराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। बाद अज़ां कांग्रेस पार्टी डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव के सिलसिले में शशिधर रेड्डी की क़्यादत में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुकामी सदूर शेख गौस, पी नरेंद्र, साबिक कॉरपोरेटर अयूब खान के अलावा दीगर कायदीनों कारकुनान की कसी तादाद मौजूद थी। कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी के सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया था कि हर जगह कांग्रेस पार्टी का झंडा चढ़ाएंगे और उसके साथ जो कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप का प्रोग्राम है उसको भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन कल जो हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में जनरल बिपिन रावत साहब का ये वो हादसे में जो इंतकाल हुआ, उसको सामने, उसके मद्देनज़र हम लोगों ने झंडा चढ़ाने का प्रोग्राम रद्द कर लिया। हम यहाँ पर आए और उनको फूल पेश करके उनके याद में 2 मिनट श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट खामोशी इख्तियार किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है, एक फॉर्मल तौर पे आज हम लोगों ने शुरू किया है, एक नए तरीके से मेंबरशिप का प्रोग्राम हो रहा है। ये पूरा ऑनलाइन होने वाला है, ये टेलीफोन के ज़रिए मेंबरशिप होगा। हर पोलिंग स्टेशन में एक एनरोलर होगा जिसको AICC वाले डायरेक्टली उनको लिंक भेजेंगे, उसके हिसाब से वो ऐप खोलकर अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी में मेंबर बनाने की उनकी कोशिश रहेगी। शहर मुस्तखर आदिलाबाद के कांग्रेस जिला सदर साजिद खान की रिहायशगाह पर अजमतुल्ला हुसैनी ने डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ किया। इससे कबल कांग्रेसी कायदीन कारकुनान ने CDS स्टाफ जनरल बिपिन रावत और दीगर हलाक शुदगान को खिराज पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की कॉल पर सालगिरह तकरीब को तर्क करते हुए फौजियों की मौत पर शोक मनाया गया। बादशाह मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप मुहिम के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज
अजमतुल्ला हुसैनी ने कारकुनों को कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। इस दौरान AICC रुकन जी सुजाता, टाउन सदर नागेश एम नरसिंह, संतोष यूथ कांग्रेस जिला सदर चरण गौड़ और दीगर मौजूद थे। చేయకూడదని ఒక ఏఐసీసీ నిర్ణయం మేరకు అన్ని కార్యక్రమాలు ఈరోజు రద్దు చేయడం జరిగింది. అందువల్ల ఆ విషయాలు వేరే రాజకీయ విషయాలు వేరే అంశాలపై మాట్లాడకుండా ఎందుకంటే దేశ సైన్యాధిపతి బిపిన్ రావత్ గారు నిన్ననే ఒక హెలికాప్టర్ దుర్ఘటనలో చనిపోవడం జరిగింది. వారితో పాటు మిగతా 12 వాళ్ళ సతీమణి మిగతా 12 మన దేశ సైనికులు చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్లకు జిల్లా కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి వాళ్లకు నివాళులర్పిస్తూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు శాంతి చేకూర్చాలని ఇలాగ ప్రార్థిస్తున్నాము. మెంబర్షిప్ డిజిటల్ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ అంటే డిజిటల్ మెంబర్షిప్ అంటే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. డిజిటల్ అంటే ఏంటి అన్నట్టు చాలా అంటే గతంలో మెంబర్షిప్ అనేది ఫామ్ ద్వారా మనం పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మండల అధ్యక్షులు మనకు ఫామ్ ఇస్తే ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి మనం మెంబర్షిప్ గతంలో మెంబర్షిప్ చేయడం సభ్యత నమోదు చేయడం జరిగింది. बांसवाड़ा कांग्रेस कायद कासुरा बालराज की क़यादत में AICC सदर सोनिया गांधी की सालगिरह मनाई गई। ताहम सोनिया गांधी की कॉल पर जश्न को तर्क करते हुए CDS जनरल बिपिन रावत और दीगर की अलमनाक मौत पर खराज अकीदत पेश किया गया। बादएज़ां मीडिया से बात करते हुए कासुरा बालराज ने कांग्रेस की रुकनियत साजी मुहिम के बारे में तफसीलात बताई। సభ్యత నామోదు కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాం. కానీ బిపిన్ రావత్ గారు హఠాత్ మరణం, హెలికాప్టర్ కూలి మరణించడం చాలా బాధాకరమైంది. కాబట్టి అవన్నీ మానుకొని మరి వాళ్ళ ఆత్మకు శాంతి కలగాలని నివాళులు అర్పిస్తూ మరి